बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इजाज, प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जुटियाल गिलगित, आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिसमें से हम सारे गुजर रहे हैं एज अ नेशन एंड वर्ल्ड एट लार्ज, कोविड-19 डेफिनेटली उसने हर शोबाए ज़िंदगी को इफ़ेक्ट किया है और यकीनन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी बड़ा बैडली इफेक्ट किया है। और एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, ऑन 2 मार्च जो ही हमने स्कूल ओपन किया, नेक्स्ट डे वी वर गिवन द ऑर्डर कि हमने स्कूल क्लोज करना है। उस वक्त हमने स्कूल क्लोजर एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस जब कर लिया, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे कि हम अपने डियर स्टूडेंट्स के कीमती वक्त को कैसे बचा सकते हैं और उनको एकेडमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रख सकते हैं। इस हवाले से हमने बहसियत एक इंस्टीट्यूशन बहुत सारे मेयर्स किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से वी आर क्वाइट सक्सेसफुल, जिसमें कि हम बोर्ड क्लासेस को तो ऑलरेडी हमने जो कि बहुत ही परफेक्ट मैनर्स में वीडियोस अपलोडेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, स्पेशली sabakfoundation.com, उनके साथ एक अंडर एन एग्रीमेंट परचेज करके अपने बोर्ड क्लासेस FSC को प्राइमरीली ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर में प्रोवाइड कर दी थी, ताकि वो मौसम सरमा की छुट्टियों में अपनी बेहतर प्रिपरेशंस कर सकें। इसके अलावा हमने इमीडिएटली इन मार्च वी लॉन्च्ड आवर यूट्यूब चैनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जुटियाल PS&CJ के नाम से, और ये चैनल इस वक्त तक तकरीबन मोर देन 12,000 व्यूअरशिप के साथ हमारे स्टूडेंट्स कंसल्ट कर रहे हैं, जिसमें रेगुलर बेसिस पे क्लास प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 7 तक हमारे तमाम टीचर्स रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर टीचिंग की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जिन स्टूडेंट्स को इंटरनेट से एक्सेस मैसर नहीं, इस पर्पज़ के लिए हमने ये सेम लेक्चर्स अपने कंप्यूटर लैब के अंदर पेरेंट्स के लिए USBs पे प्रोवाइड किए हैं। और फिर क्योंकि हमें यकीन था कि भाई मई एज़ पर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस मई में स्कूल ओपन हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द हैवी स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 और ज़्यादा केसेस की वजह से अब ये मामला जुलाई के एंड तक चला गया है। तो हमने फौरी तौर पर अभी बच्चों को होमवर्क पैकेज, जो कि हम पहले से ही इस पे काम कर रहे थे, वो कंप्लीट होने पे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की है एंड दे आर विजिटिंग स्कूल रेगुलरली। और मैं स्पेशली पब्लिक स्कूल और कॉलेज के हमारे जो तलबा है, जो उनके पेरेंट्स अगर मुझे इस लिंक से एक्सेस में हैं और सुन पा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा दे मस्ट पे देयर विजिट्स टू द स्कूल ऑन रेगुलर बेसिस। हमारी तमाम फैकल्टी स्कूल में हाजिर है और अलग अलग क्लासरूम्स में हमने तमाम सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए पेरेंट्स जो हमारे पास विज़िट कर रहे हैं उनको होमवर्क भी दे रहे हैं, और साथ साथ बच्चे कंप्लीट होमवर्क और क्लास वर्क्स जो कि कंप्लीट करते हैं और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हम उनको डायरीज़ में थ्रू टीचर्स दे रहे हैं, वो काम नेक्स्ट वीकली बेसिस पे पेरेंट्स हम तक नोटबुक्स लेके आ रहे हैं, जिनको हमने चेकिंग का भी काम स्टार्ट लिया हुआ है। और अगर फॉर एग्जांपल बाय एंड ऑफ जुलाई एंड देन अगस्त तक ये मामला चला जाता है और स्कूल ओपन नहीं हो पाते, तो फिर डेफिनेटली हमारे लिए इवेल्युएशन करना बच्चों का फर्स्ट टर्म का भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा, जिसका एक वे फॉरवर्ड हम वर्कआउट कर रहे हैं। और वो यही होगा कि जिसमें बच्चों से हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें बच्चों की कुछ लिसनिंग स्किल्स और टीचिंग स्किल्स, जिसमें रीडिंग स्किल्स और वर्ड्स वोकेबलरी की लैंग्वेजेस, सोशल स्टडीज़ और इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं, उनके टेस्ट के तौर पर हम उनको वर्बली व्हाट्सएप पे टीचर्स इंडिविजुअली अपनी क्लास को इंगेज करें और इवेल्युएट करें। कुछ परसेंटेज उसको जाएगी, कुछ परसेंटेज बच्चों का डेली बेसिस पे दिया जाने वाला जो काम है हमारा क्लास वर्क और होमवर्क की सूरत में, उसकी नोटबुक्स जैसे पेरेंट्स के वसत से हमारे पास आएंगी, तो उसकी चेकिंग की बेस पे भी हम कुछ परसेंटेज ऑफ दी मार्क्स वो एलोकेट करेंगे। तो इस तरह हम एक वी आर मेकिंग अ मैकेनिज्म कि हम फर्स्ट टर्म में बच्चों को इवेल्युएट कर पाए। इलावा ये हमारा सबसे जो ज़्यादा बड़ा इफेक्ट जिसका हमें वी आर रियली कंसर्न अबाउट इस जो स्टूडेंट्स का सेगमेंट है, दैट इज़ द बोर्ड क्लासेस। बोर्ड क्लासेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th टिल FSC एंड BSc क्लासेस जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है फॉर ओनली द गर्ल्स, उसके लिए हमने काफ़ी सारी ऐसी प्रपोजल्स हैं, जिसमें एक ऑप्शन हमने अभी अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर से रिक्वेस्ट भिजवाई है कि हमें विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड ओपनिंग की परमिशन दी जाए
जिसमें हमारे लिए ये स्टूडेंट्स क्योंकि मेच्योर एंड रफ हैं, बोर्ड क्लासेस के हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो इनको हम इंगेज इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि हम मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3 days फॉर मैट्रिक क्लासेस और नेक्स्ट 3 days दैट इज थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे फॉर FSC एंड ग्रेजुएशन क्लासेस को हम इंगेज करें। और ये बच्चे जब हमारे पास आएँ तो इसका हम इस तरीके से मैनेज करने के लिए वी हैव ऑलरेडी वर्कड इट आउट कि हमारी मैक्सिमम क्लास जो है वो 10 to 15 स्टूडेंट्स विद प्रॉपर डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स के साथ क्लास में हो और विदाउट एनी इंटरवल्स ऑफ द ब्रेक्स। सिर्फ बच्चों को 8 to 1300 hours मीन्स सुबह 8 से 1 बजे तक हम इंगेज करें और अदर कैंटीन एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड असम्बलीज को अवॉइड करते हुए सिर्फ प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को हम क्लासेस के अंदर उनका ये कीमती वक्त किसी तरह से ज़ाया होने से बचा सकें। अदरवाइज आई फोरसी के हमारे ये बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होंगे दे आर गोइंग टू सफ़र। रीज़न बीइंग के बिकॉज वी आर एफिलिएटेड विद फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद और बीइंग द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द रीजन एंड द सिटी, इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स जो कि पाइपलाइन में हैं, जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर होना था 2019 मैट्रिक एंड FSC, देयर स्ट्रेंथ इज़ अबाउट 1600। सो दैट मीन्स हर बोर्ड एग्जाम में रेगुलर के अंदर हमारे अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ मैट्रिक और FSC की तकरीबन 1600 होती है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज होगा जिसको हमने अभी प्लान किया है और फैकल्टी की मीटिंग्स के साथ एवरीबॉडी इज़ एग्रीड। तो हम इंशाल्लाह कोशिश में हैं कि जून ऑनवर्ड हम बोर्ड की क्लासेस को इंगेज करें। इस हवाले से पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए जो है ना हमारे साथ सपोर्ट में भी आएँ और YouTube के ऊपर भी आकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ से भी बेनिफिट लें। प्लस जो हमने FSC क्लासेस को ऑलरेडी परचेज लेक्चर्स दिए हैं ऑनलाइन, वो उनके लिए ज़्यादा आसानी से घरों में बैठकर LCDs, LEDs की ऊपर प्लग एंड प्ले USBs में भी उससे बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड क्लासेस का जाहिर सी बात है कि हम वी आर एफिलिएटेड विद द फेडरल बोर्ड, तो उसके डिसीजन के साथ भी काफ़ी गहरा ताल्लुक है। जाहिर बात है कि अभी वी आर जस्ट वेटिंग कि वट डिसीजन इज टेकन बाई द फेडरल बोर्ड कि वो बच्चों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से प्रमोट करते हैं। ये सारी बातें मद्देनज़र रखकर इंशाल्लाह जून में वी हैव अ प्लान कि हम रेगुलर क्लासेस बोर्ड की कंडक्ट करें। इसलिए अगर मेरे ये बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं वो इस चीज़ को नोट रखें और स्कूल से कॉन्टेक्ट में रहें। बाकी तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त ये है कि वो जिन तक हमने एक्सेस नहीं कर पाए अभी तक, जिनके मोबाइल नंबर्स हमें ऑफ मिल रहे हैं, अगर मुझे इस चैनल की तवसत से सुन रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस इन द स्कूल और मस्ट पे अ विज़िट। बच्चों का होमवर्क जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है वो आप लोग लेके जाएं ताकि बच्चों का वक्त ज़ाया होने से हम बचा पाए। हमारा इस वक्त एक ही मिशन है कि किसी तरीके से बच्चे को घर में रहते हुए अपनी तालीम और पढ़ाई में रेगुलर कर पाएँ ताकि उसका कीमती वक्त हम ज़ाया होने से बचा सकें। और बाकी भी तमाम इदारों से मेरी दरख्वास्त यही है कि अगर उन्होंने कुछ हमसे ज़्यादा बेहतर किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर इट विद अस, और हमारे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि वी आर हेयर टू वर्क आउट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। वस्सलाम। यहाँ मेरे बच्चे कोई 6th में भी है, 7th में भी है, यहाँ स्कूल की तरफ से ये जो सिलेबस और होम असाइनमेंट दिया गया है स्कूल का बहुत मशहूर है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, इससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। ये पब्लिक एंड कॉलेज की तरफ से ये बहुत एक अच्छा इकदाम है, जो असाइनमेंट का सिलसिला जो चलाए हैं, बच्चे आवारा नहीं होंगे घर में, जो असाइनमेंट जो दिया है उस पर अपना तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह मसला हल। मेरा नाम अली शेर है, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, एक 8th class में पढ़ता है और एक 6th में और एक बच्ची है वो 3rd class में पढ़ती है। तो ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे बच्चे काफ़ी मुतासर हो रहे थे उनकी पढ़ाई, तो यहाँ की इंतज़ामिया ने इसका एक मुतबादल तलाश किया कि एक तो इन्होंने असाइनमेंट हमें दिए होमवर्क,
और इसके अलावा उन्होंने वीडियो और ऑनलाइन लेक्चर भी हमें दिए हैं, और इससे हमारे बच्चों को काफ़ी हौसला मिलेगा और वो घर में बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो मैं स्कूल इंतज़ामिया और प्रिंसिपल साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने ये काम किया है और ये एक अहसन इकदाम है।